जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। सेकंड वीडियो में मैंने रोम के बारे में पूरा समझा दिया था। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने सीपीयू के बारे में पूरा समझा है, और सीपीयू के बारे में मैंने ये बताया था कि एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होती है। इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर में केवल एक रजिस्टर बचा हुआ है, फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर को अपन लास्ट में लेंगे, 5 से 10 मिनट में, क्योंकि क्लास को खराब नहीं करना चाहते। तो बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो आपकी 1 घंटे की क्लास होती है, ये पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। अगर किसी बच्चे ने सिस्टम असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, लास्ट डेट आने वाली है। अच्छा याद रखिए, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, और जितना रिकॉर्डेड है उसमें इंप्रूवमेंट करके और अच्छा बनाया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन, आज बच्चों अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की बात चल रही थी, तो कंप्यूटर का ही अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। बच्चों क्लियर? यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। बच्चों याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या था। तो कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी थी, और कंप्यूटर के अंदर बच्चों क्या था, सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, ये दोनों मिलकर आपका क्या कहलाता है बच्चों, कंप्यूटर। अब बच्चों कंप्यूटर में याद रखिए, जो इसके बाहर के पार्ट होते हैं उनको ऑक्सिलरी पार्ट कहते हैं, और इनपुट आउटपुट को पेरिफेरल भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? अब बच्चों ये कंप्यूटर अगर है आपकी, या फिर इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, प्रोसेसिंग यूनिट अलग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू आएगा, और प्रोसेसिंग यूनिट में प्राइमरी मेमोरी प्लस सीपीयू दोनों आते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि इसी को अपन कंप्यूटर कहते हैं। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक होने जा रहा है कि वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट भी पढ़ेंगे, आउटपुट भी पढ़ेंगे अपन, और बच्चों अपन सेकेंडरी स्टोरेज भी पढ़ेंगे। अच्छा अपन ने रैम पूरी पढ़ ली, रैम कितने तरीके की, ये बिल्कुल क्लियर कर लिया। रोम भी अपन ने क्लियर कर लिया, और सीपीयू भी अपन ने क्लियर कर लिया। सीयू के बारे में पूरी जानकारी ले ली। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती है वो एएलयू में होती है। रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी ले ली। कैश के बारे में पूरी जानकारी ले ली। कैश मेमोरी भी यही होती है, याद रखिए कौन कौन सी कैश इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर L1 L2 कैश होती है, और बच्चों L3 कैश मदरबोर्ड पे होती है। याद रखना सीपीयू का पार्ट L1 L2 कैश है, सारी कैश सीपीयू के पार्ट नहीं होती। L3 कैश बाहर होती है, किसके अंदर होती है, मदरबोर्ड के अंदर होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। अब बच्चों आज अपन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सर जी यूपी प्रोग्रामर का एक बार, यूपी प्रोग्रामर का मैंने चेक कर लिया है, डाल भी दिया, मैंने उसके हिसाब से सेट भी कर दिया। और अपन एक काम करेंगे, इस क्लास के बाद मैं एक बार और देख लूंगा, आप भेज देना व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी मैंने ही सेट किया है पूरा स्टोर, तो यूपी प्रोग्रामर में लगभग लगभग तो कवर करवा रखा है, लगभग लगभग कवर करा रखा है। कुछ पॉइंट बाकी है जो अलग से करा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो इस बैच में कोई भी कमेंट बाजी नहीं, केवल आपको पढ़ना है ना, और आज अपन को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को क्लियर करना है। बच्चों याद रखिए, हर एक वीडियो में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे, सिस्टम असिस्टेंट में भी आएंगे, कंप्यूटर टीचर में तो 100% आएंगे। बच्चों याद रखना, हर एक वीडियो को आपको देखना है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें सीयू हो गया, एएलयू हो गया, रजिस्टर हो गया, बच्चों रैम हो गई, रोम हो गई। क्लियर? तो अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भी अपन देख लेते हैं, फिर अपन पेरिफेरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के कितने तरीके के टाइप है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से, कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से 3 टुकड़ों में बटा है, 3 भागों में बटा है कंप्यूटर को। वर्किंग के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से कितने पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर कितने तरीके का होता है। गलत वर्ड बोल दिया, कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से कितने तरीके का होता है। तो कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से बच्चों 3 तरीके का होता है। एक होता है एनालॉग, एक होता है बच्चों डिजिटल, और एक क्या होता है बच्चों हाइब्रिड। ये याद रखना, डिजिटल और एक क्या होता है हाइब्रिड। यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। आईए में भी 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करेंगे। बच्चों क्लियर, याद रखिए कंप्यूटर एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, और हाइब्रिड होता है। बच्चों याद रखिए वर्किंग के हिसाब से। अब बच्चों अगर कोई ये कहे कि एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, आप सबको पता है कंप्यूटर आपका ये है, जिसमें ये बच्चों आपका कंप्यूटर है, और बच्चों ये आपके इनपुट डिवाइस है, और बच्चों इनपुट डिवाइस से कोई डेटा जा रहा है, यानी इनपुट डेटा जो जा रहा है वो एनालॉग जा रहा है। ये एनालॉग जा रहा है तो बच्चों ये प्रोसेसिंग किसमें कराता है, एनालॉग में। तो बच्चों एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेसिंग एनालॉग सिग्नल में कराते हैं, मतलब ये जो डेटा है ये एनालॉग में ले रहा है, और एनालॉग में डेटा लेकर एनालॉग में प्रोसेसिंग करा रहा है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर
एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा को लेते हैं, एनालॉग डेटा को इनपुट में लेते हैं, एनालॉग डेटा को इनपुट में लेते हैं, डेटा को इनपुट में लेते हैं, इनपुट में लेते हैं, इनपुट में लेते हैं बच्चों क्लियर, और एनालॉग में ही कैलकुलेशन कराते हैं, लेते हैं तथा एनालॉग में ही कैलकुलेशन कराते हैं, एनालॉग में ही कैलकुलेशन कराते हैं, एनालॉग में ही कैलकुलेशन कराते हैं, कैलकुलेशन कराते हैं, ये पॉइंट याद रखना, कैलकुलेशन कराते हैं। अच्छा मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स बने और अच्छे खासे नोट्स बने और आपकी लैंग्वेज में बने, पहले वीडियो देखो फिर यूज करना। तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा लेते हैं और एनालॉग में प्रोसेसिंग कराते हैं, तो जो आपकी प्रोसेसिंग होगी वो किसके अंदर होगी बच्चों, एनालॉग। बच्चों याद रखिए एनालॉग क्या है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और समझना, इससे भी पहले एक क्वेश्चन और समझना कि जो डेटा है वो डेटा कितने तरीके का होता है। तो पूरी प्रकृति का डेटा दो तरीके का होता है, एक तो बच्चों डेटा एनालॉग होता है, एक डेटा एनालॉग होता है और एक डेटा कैसा होता है, डिजिटल होता है। बच्चों याद रखना डेटा टू टाइप्स का होता है, क्लियर। स्पीड फास्ट है बच्चों, मैं कह रहा हूँ वीडियो देख के आइए, वीडियो देख के नहीं आओगे तो कोई मतलब नहीं है इस क्लास का आपके लिए, वीडियो रिकॉर्डेड है उनको देख के आइएगा। स्पीड फास्ट इसलिए लगती है क्योंकि आप वो हैबिट नहीं है आपके पढ़ने की, वो हैबिट नहीं है नौकरी की, तो वो हैबिट आपको पालनी पड़ेगी। और बच्चों जब पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग को एक्टिव भी रखिए, और दिमाग एक्टिव नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप देख के आइएगा। इससे पहले मैंने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, तैयारी कैसे करें, तो उस वीडियो को जरूर देखो तभी आप इस क्लास में आइए, ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस करा देना, आप देखिए चैट चैट कर लेना मेरे से, व्हाट्सएप भेज देना, जो आप कहोगे वो करवा देंगे, क्लियर। अभी मैं टाइम मिलेगा मेरे को 5-6 दिन में, 10-15 दिन में, जो जो आपकी डिमांड है करवा देंगे। यहां पर आ जाइए, डेटा डेटा एनालॉग होता है, डेटा डिजिटल होता है। अब एनालॉग डेटा क्या होता है समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं प्रकृति की, तो बच्चों कंप्यूटर के बाहर जो भी चीज है वो एनालॉग है और कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज है वो डिजिटल है। बच्चों कोई लड़की बैठी है सामने तो वो एनालॉग है, बच्चों कोई कुर्सी है सामने वो एनालॉग है, एसी लगा हुआ है सामने एनालॉग है, बच्चों तापमान देख रहे हैं एनालॉग है, बच्चों कोई पिक्चर लगी हुई है कहां पर दीवार पे वो एनालॉग है। बच्चों याद रखिए भूकंप आया वो एनालॉग है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एनालॉग है। याद रखिए जो कंप्यूटर के बाहर की चीज है वो एनालॉग है। लेकिन अगर फोटो ले ली मैंने तो मोबाइल के अंदर चले गई वो फोटो, मैं एनालॉग हूं लेकिन मेरी फोटो डिजिटल है। बच्चों मैं एनालॉग हूं लेकिन मेरी फोटो डिजिटल है, मेरी सेल्फी डिजिटल है। बच्चों लोग बाहर खड़े कंप्यूटर के बाहर है बातचीत कर रहे वो सब एनालॉग है, क्लियर है बच्चों। बच्चों याद रखना जो मैं वर्ड बोल रहा हूं सुनिए, जो कंप्यूटर के बाहर के डेटा है वो एनालॉग है, जो कंप्यूटर के बाहर के डेटा है वो एनालॉग है, बाहर के डेटा वो एनालॉग है, डेटा एनालॉग है, डेटा एनालॉग है। याद रखना बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एनालॉग है कंप्यूटर के बाहर के डेटा एनालॉग है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सब एनालॉग है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल जिनको टच कर सके, फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी, बच्चों फिजिकल क्वांटिटी वो सब एनालॉग है, एनालॉग है बच्चों क्लियर। कार है बस है ट्रक है बच्चों ये सब एनालॉग है, गर्म है ठंडा है ये सब एनालॉग है, भूकंप है टेम्परेचर है ये सब क्या है एनालॉग है, फिजिकल क्वांटिटी एनालॉग है, बच्चों जो बाहर है वो सब एनालॉग है। तो डिजिटल क्या है, तो डिजिटल जो कंप्यूटर के अंदर है, बच्चों फोन पे का ऐप है वो डिजिटल है, बच्चों जो ऐप है वो डिजिटल है, इसको छू नहीं सकते ये डिजिटल है, ये कंप्यूटर के अंदर है ये डिजिटल है, जो आपके सॉफ्टवेयर है वो सब डिजिटल है, बच्चों वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब डिजिटल है, वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट है ये सब क्या है डिजिटल है, पावर पॉइंट डिजिटल है बच्चों क्लियर। इसके अलावा ग्राफिक्स है ये सब डिजिटल है, समझने की कोशिश करो। जो कंप्यूटर में है जो कंप्यूटर के अंदर है, जो कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर अंदर है वो डिजिटल है, अंदर है वो डिजिटल है, वो डिजिटल है बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में रह जाना चाहिए, डिजिटल है। बच्चों एक लड़की जा रही थी, मैंने फोटो खींची, लड़की एनालॉग है लेकिन फोटो जो है वो डिजिटल है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था अभी कंप्यूटर टीचर में, सुगंध क्या है, तो सुगंध तो कंप्यूटर के बाहर है, तो सुगंध बच्चों सुगंध याद रखिए, सुगंध क्या है तो सुगंध आपकी एनालॉग है, और बच्चों वर्ड क्या है तो वर्ड प्रोसेसर क्या है तो वर्ड प्रोसेसर डिजिटल है। बच्चों यहां तक क्लियर है। इमेज क्या है, ग्राफिक्स क्या है, ऑडियो क्या है, वीडियो क्या है। बच्चों अगर बाहर ऑडियो है, बाहर ध्वनि ध्वनि है, तो बच्चों वो
एनल हो गया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर कोई है, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज है तो वो क्या है बच्चों, डिजिटल है। क्लियर? तो डेटा दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल, याद रखो बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आईए के अंदर, इनमें से डिजिटल डेटा कौन सा है, इनमें से एनालॉग डेटा कौन सा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अरे बाहर है गुरु जी, बाहर एक बिल्ली घूम रही है वो एनालॉग है। अरे गुरु जी बाहर बट्टी गर्म चल रही है वो एनालॉग है। अरे गुरु जी बाहर एसी ठंडा कर रहा है वो एनालॉग है। ये सब एनालॉग डेटा है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन गई उनकी, वो क्या बन जाता है, डिजिटल। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज है वो डिजिटल है। चलिए टॉपिक पे आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए बच्चों। कंप्यूटर तीन तरीके के होते हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को लेते हैं और बच्चों एनालॉग में प्रोसेसिंग कराते हैं। याद रखना प्रोसेसिंग एनालॉग में होती है बच्चों, क्लियर? जो फिजिकल क्वांटिटीज को नापते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं वो एनालॉग है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एनालॉग है बच्चों, क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी बताओ गुरु जी। अरे टेम्परेचर को नापता है, तो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नापना आप मापी एनालॉग बच्चों। भूकंप को नापना सिस्मोग्राफी एनालॉग बच्चों। दाब को नापना दाब मापी एनालॉग, ताप को नापना ताप मापी एनालॉग बच्चों। विचार कीजिए, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं वो सब क्या है, एनालॉग बच्चों, क्लियर? एक तराजू है ताकड़ी वाला, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को नापता है वो क्या है बच्चों, एनालॉग। लेकिन बच्चों याद रखिए, अगर अपन किसी डिजिटल कंप्यूटर से नापे ताकड़ी, वो भी होती है जो डिजिटल कंप्यूटर है बच्चों, वेट डालते ही 1 2 3 4 ऐसे दिखाती है बच्चों। याद रखिए, वो कहां देख रहे हो आप, वो कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो बच्चों। एक तरीके से वो क्या है, तो वो आपका डिजिटल है बच्चों, क्लियर? याद रखो, पेट्रोल पंप की मशीन है वो सब एनालॉग है, क्योंकि फिजिकल डेटा को नापती है, जो फिजिकल डेटा को नापती है वो सारे के सारे क्या है, एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर वो है जो फिजिकल डेटा को नापते हैं बच्चों, क्लियर? यूपी प्रोग्रामर क्लियर हो जाए क्या सर? हो जाएगा आराम से रविकांत, हो जाएगा। आप मेरे से चर्चा करना कॉल करके, शाम को 7:30 to 8 के बीच में कर देना, मैं सब बच्चों से। लेकिन प्रॉब्लम हो तो बात करना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाई हेलो करने के लिए बात मत करना। प्रॉब्लम होनी चाहिए कि सर ये पॉइंट कम रह गया, ये पॉइंट ज्यादा हो गया। बाकी पूरा डीबीएमएस में कवर करा रहा हूँ, पूरा प्रोग्रामर यूपी में डाल रहा हूँ, तो प्रोग्रामर का एक बार कोर्स करवा रखा है, एक बार और करवा रहे हैं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं वो एनालॉग है बच्चों, क्लियर? अच्छा गुरु जी फिजिकल क्वांटिटी क्या? अरे प्रेशर को नापने वाले, अरे ताप को नापने वाले, अरे दाब को नापने वाले बच्चों, क्लियर? याद रखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं वो क्या है, एनालॉग। जो कंप्यूटर के बाहर की चीजों को नापते हैं वो सब क्या है, एनालॉग। अब आ जाइए डिजिटल। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सुनिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये प्रोसेसिंग किसमें कराते हैं, तो ये प्रोसेसिंग डिजिटल में कराते हैं। प्रोसेसिंग किसमें कराते हैं, डिजिटल में कराते हैं बच्चों, क्लियर? चलिए अब बच्चों ये लेते क्या, तो ये एनालॉग भी ले सकते हैं बच्चों, ये डिजिटल भी ले सकते हैं। ऐसा डेटा होता है ये डिजिटल होता है, आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जो बच्चों 1010 1010 10 के रूप में रहता है, ये क्या है बच्चों, डिजिटल। अब बच्चों एक चीज सुनिए, ये एनालॉग है जो कंटिन्यूअस डेटा है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, ये पूरी रेंज को कवर करता है 0 से 1 के बीच, पूरी रेंज कवर करता है 0 से 1 के बीच बच्चों, 0 से 1 के बीच। इसकी वैल्यू 0.5 भी होती है, 0.6 0.7 0.8 0.9 सारी वैल्यूज होती है, लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा है बच्चों, डिजिटल डेटा डिस्क्रीट होता है। एक पॉइंट और बना देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करो। एक पॉइंट मैंने और बना दिया, याद रखना जो एनालॉग डेटा है बच्चों, डेटा दो तरीके का होता है। डेटा कौन कौन से दो तरीके का बच्चों, एक एनालॉग है, और एक कौन सा है, एक बच्चों डिजिटल डेटा है। तो समझने की कोशिश करो, डिजिटल डेटा बच्चों, एनालॉग डेटा, कुछ इस तरीके का रहता है बच्चों। याद रखना ये पूरी रेंज को कवर करता है, मान लो ये 0 से ये 1 है, तो बच्चों 0 से 1 में ये पूरी रेंज को कवर करेगा बच्चों, क्लियर? या फिर ये बोल दीजिए कि अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 में बच्चों ये पूरी रेंज को कवर करेगा, और -1 में भी पूरी रेंज को कवर करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्या इसमें 0.2 है, बिल्कुल है, क्या 0.3 है, बिल्कुल है, क्या 0.02 है, बिल्कुल है, क्या 0.30 है, क्या बिल्कुल है। तो बच्चों याद रखिए, हर एक वैल्यू मिलेगी, मतलब याद रखो एनालॉग डेटा इस तरीके का होता है, 0 से 1 है तो सभी डेटा 0 से 1 के इसमें कवर होंगे। डिजिटल डेटा डिस्क्रीट होता है, डिजिटल डेटा
क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। याद रखना डिजिटल डेटा डिस्क्रीट होते हैं। बच्चों क्लियर, याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल डेटा कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। क्लियर, चलने दो। डिजिटल डेटा कैसे होते हैं बच्चों, डिस्क्रीट होते हैं। एनालॉग डेटा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। याद रखना मेरे हिसाब से, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल डेटा कैसे होते हैं, मेरे को याद नहीं है ढंग से, लेकिन आईए में ये क्वेश्चन भी आया था कि डिजिटल डेटा कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। इसका मतलब या तो होगा तो पूरा वन होगा, या तो वन होगा या फिर जीरो होगा, या तो वन होगा या फिर जीरो होगा। बच्चों या तो वन होगा या जीरो होगा, क्या लिखा हुआ है, ये वन जीरो वन जीरो वन वन, ये लिखा हुआ है बच्चों। या तो वैल्यू वन होगी या जीरो होगी, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। बच्चों क्लियर, समझ जाइए, हर डेटा वन जीरो में कन्वर्ट होता है, उसको डिजिटल डेटा कहते हैं, उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कमेंट करते रहो कि हाँ सर, अभी तक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक सुगंध वाला, सुगंध कहाँ है, कंप्यूटर के बाहर है, तो क्या है, एनालॉग डेटा है। वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर है, तो क्या है, डिजिटल है। एक्सेल डिजिटल है, सॉफ्टवेयर डिजिटल है, एप्लीकेशन डिजिटल है। बच्चों क्लियर, अरे बच्चों क्या डिजिटल है, ठीक है, भार, भार व्यक्ति घूम रहा है, एनालॉग है। तापमान एनालॉग है, प्रेशर एनालॉग है, मौसम एनालॉग है। बच्चों याद रखिए, वो एनालॉग ये डिजिटल है, याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। डिजिटल डेटा कैसे होता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है, तो ये वन जीरो वन जीरो वन वन, ये डिस्क्रीट डेटा है। ये क्या है, एनालॉग डेटा है। बच्चों कंटिन्यूअस है, मतलब एक रेंज में सारी वैल्यू रखता है, एक रेंज में, एक रेंज में, एक रेंज में सभी वैल्यू रखता है, सभी वैल्यू रखता है। बच्चों क्लियर, याद रखना बच्चों, डिजिटल डेटा, डिजिटल जो है ये बच्चों एक्यूरेट ज्यादा होते हैं, ये केवल दो वैल्यू पे काम करता है, केवल दो वैल्यू पे काम करता है, दो वैल्यू पे काम करता है, वैल्यू पर काम करता है, वैल्यू पर काम करता है। बच्चों क्लियर, और वो वैल्यू क्या, वन और जीरो, ये पॉइंट याद रखिए। याद रखना बच्चों, डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा, वापस आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर आ जाइए, सारे कंसेप्ट मैं आपको लिख रहा हूं। तो बच्चों डिजिटल लेता है, एनालॉग भी है, प्रकृति को भी लेता है और डिजिटल को भी लेता है। प्रकृति तो है ही, बाहर की चीज प्रकृति है, प्रकृति एनालॉग है, एनालॉग को लेके एनालॉग में प्रोसेसिंग कराता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग को लेता है डिजिटल को भी लेता है, लेकिन बच्चों जो प्रोसेसिंग कराता है वो किसमें कराता है, डिजिटल में। क्लियर, तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कहलाते हैं। ये वन है ये जीरो है, ये वन है ये जीरो है। प्रोसेसिंग किसमें होगी, प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा में होगी, प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा में होगी, ये पॉइंट याद रखिए, प्रोसेसिंग हमेशा डिजिटल डेटा के रूप में होगी। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग किस डेटा के रूप में होगी, तो प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा के रूप में होगी। लेता कुछ भी है, लेता कुछ भी है, लेता ये भी है, लेता ये भी है, काम इसमें होगा, काम एनालॉग में होगा, काम डिजिटल में होगा, ले कुछ भी ले, ले कुछ भी ले, ये तो लेता भी एनालॉग है, काम भी किसमें कराता है, एनालॉग में कराता है। बच्चों याद रखना डिजिटल 1010 के रूप में ही है, हर चीज को 10 में कन्वर्ट करता है, इसलिए डिजिटल की एक्यूरेसी हाई होती है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी हाई होती है। बच्चों क्लियर, जो आपके कंप्यूटर है उनकी एक्यूरेसी हाई होती है, क्योंकि ये हर रेंज को नहीं लेते, केवल 1010 के रूप में ही लेते हैं, इसलिए एक्यूरेसी हाई होती है। इनकी एक्यूरेसी लो होती है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी लो होती है। बच्चों क्लियर, यहाँ पर कन्वर्टर की जरूरत है, बोलो यहाँ पर कन्वर्टर की जरूरत है, जिसका नाम है एडीसी कन्वर्टर। बच्चों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत है, डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत है, डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत है, कन्वर्टर की जरूरत है, कन्वर्टर की जरूरत है, कन्वर्टर की जरूरत है। बच्चों क्लियर, याद रखो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत है, इसलिए स्पीड कम होती है, इसलिए स्पीड कम होती है। डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड कम होती है, इसलिए स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। बच्चों क्लियर, क्योंकि इनमें हर चीज को फिजिकल डेटा जो भी बाहर का है कंप्यूटर के बाहर का, उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए स्पीड कम होती है। लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर, स्पीड ज्यादा होती है, ये पॉइंट याद रखना। एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं, केवल दो स्लाइड से आपके दो क्वेश्चन आ गए, तो मेरे स्टूडेंट थे उनके सारे सही हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने खूब पढ़ाया था, मॉडेम ऑन इंटरनेट का क्वेश्चन था, सेंडर टू रिसीवर का, अरे भाई ये भी था, डिजिटल और एनालॉग। बच्चों क्लियर, याद रखना
वो डिजिटल एनालॉग इंटरनेट में भी पढ़ाएंगे आपको, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक ये क्वेश्चन था बच्चों क्या कि डिजिटल डेटा कैसे होते हैं, तो डिजिटल डेटा डिस्क्रीट होते हैं। क्लियर, एक बार कमेंट करो क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर है। एनालॉग क्या है, तो सुगंध एनालॉग है, एक बार कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट कर दो। मॉडेम वाला कंसेप्ट पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ मॉडेम नहीं स्टार्ट कर सकते, समझो बच्चों वो नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लियर, हाँ जी कमेंट करो फटाफट। हाँ सर डिजिटल और एनालॉग समझ में आ गया, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर भी हमारे समझ में आ गया है। कमेंट करते रहो कमेंट करते रहो, वाकई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। डीप में आपको पढ़ाया नहीं जाता इसलिए आपकी दुर्दशा हो जाती है। ये कोई नहीं पढ़ाता तुमको केवल अंबिका क्लासेस के अलावा, और यही आते हैं तो दुनिया छोड़ के जाती है, वही आते हैं बच्चों। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अरे कुछ आता ही नहीं है बच्चों, ऐप और पोर्टल कुछ आता ही नहीं है। रियलिटी ये है तुम टेक्नोलॉजी के बंदे हो, तुमको हर चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है, समझने की कोशिश करो। क्यों सिलेक्शन हुए ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, वीडियो आपके पास पड़े इसलिए याद रखिए, इसलिए सिलेक्शन होता है। क्लियर है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइब्रिड। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर इसमें एक प्रोसेसर है, इसमें डिजिटल प्रोसेसर है, इसमें एनालॉग प्रोसेसर है, इसमें डिजिटल प्रोसेसर है। ये कैसा प्रोसेसर है, ये डिजिटल प्रोसेसर है, ये डिजिटल प्रोसेसर है, ये डिजिटल प्रोसेसर है बच्चों। क्लियर, डिजिटल प्रोसेसर है। ये क्या है, ये एनालॉग प्रोसेसर है, ये प्रोसेसिंग एनालॉग में कराएगा, फिजिकल डेटा को रीड करेगा, ये फिजिकल को भी ले लेता है डिजिटल को भी ले लेता है बच्चों। क्लियर, आप सोचो आपका मोबाइल है वो इसको भी ले लेता है और इसको भी ले लेता है बच्चों। क्लियर, आपका मोबाइल याद रखो आपका मोबाइल पेन ड्राइव से भी ले लेता है, पेन ड्राइव से भी ले लेता है, पेन ड्राइव में ऐसा डेटा होता है, पेन ड्राइव में ये डेटा होता है, और बाहर की चीजों को भी रीड कर लेता है बच्चों। क्लियर, आप चल रहे हो, आप चल रहे हो तो बच्चों याद रखिए, याद रखना आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड को आपका मोबाइल बता देता है बच्चों। क्लियर, आपके टेम्परेचर को आपका मोबाइल बता देता है, तो आपका मोबाइल इसको भी लेता है इसको भी लेता है, लेकिन प्रोसेसिंग डिजिटल में ही करता है बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों हो गया कौन सा जमाना हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं, सर घर के वेट कर रहे हैं जॉब, मेरी कोचिंग ऐसी है 3 महीने कंटिन्यू रह जाओ नौकरी लग जाती। ये सब बच्चे नौकरी लगते हैं, अंबिका का एक स्टूडेंट नहीं बता सकते जिसकी नौकरी नहीं लगी। अंबिका बहुत आगे जाने वाला है बच्चों, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए, ऑनलाइन आए 2021 में आया था और वो भी लास्ट में, तो 22-23 2 साल हुए मान लो, 2021 में कहा, हाँ 21 में आ गया था, 2021 में अंबिका ऑनलाइन आया। धीरे 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 सब अंबिका के स्टूडेंट बन जाएंगे राजस्थान, याद रखना टेक्निकल मतलब अंबिका। क्लियर, याद रखिए बहुत शानदार कोचिंग है, लेकिन एक एक चीज को आपको मैं कैच करवाते बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपकी याद हो जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति के भी समझ में आए, गरीब से गरीब के भी समझ में आए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जिसमें प्रोसेसर एनालॉग भी है और प्रोसेसर हाइब्रिड भी है। ये एनालॉग प्रोसेसर है, ये एनालॉग प्रोसेसर है, और बच्चों ये क्या है, ये डिजिटल प्रोसेसर है बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए अगर एनालॉग सिग्नल आए तो यहां चला जाएगा ताकि स्पीड बढ़ जाए, और डिजिटल सिग्नल आए तो यहां चला जाएगा ताकि स्पीड बढ़ जाए बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए जिसमें दोनों तरीके के प्रोसेसर है, दोनों तरीके के प्रोसेसर है, या डिजिटल प्रोसेसर है या एनालॉग प्रोसेसर है, या दोनों तरीके के प्रोसेसर है, तो बच्चों इसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ज्यादा कॉस्ट के होते हैं, ज्यादा कॉस्ट के होते हैं, ज्यादा कॉस्ट के होते हैं, ज्यादा कॉस्ट के होते हैं बच्चों। क्लियर, इनमें कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में बच्चों। एनालॉग आए तो इस प्रोसेसर पे चला जाएगा, डिजिटल आए तो इस प्रोसेसर पे चला जाएगा, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, दो तरीके के प्रोसेसर होते हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर, कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, याद रखिए कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना बच्चों। किसके अंदर की बात कर रहा हूं, हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। हाइब्रिड में यहां पर लिख देता हूं मैं, हाइब्रिड में कन्वर्टर की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर, और याद रखो हाइब्रिड कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट ज्यादा होती है, ज्यादा कॉस्ट के होते हैं बच्चों। क्लियर, याद रखना बच्चों, आजकल अधिकतर सुपर कंप्यूटर डिजिटल है, अधिकतर सुपर कंप्यूटर डिजिटल है, लेकिन आजकल थोड़े बहुत सुपर कंप्यूटर हाइब्रिड बनाए जाते हैं। अगर कोई पूछे सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं, तो डिजिटल होते हैं, डिजिटल होते हैं, क्योंकि मोस्टली सुपर कंप्यूटर डिजिटल ही है, इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर डिजिटल है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट कर दो हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे है,
तो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके की प्रोसेसिंग करवा देते हैं, उनको कहते हैं बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर। एक चैप्टर खत्म, यहां तक अगर आपकी कोई दिक्कत है तो बताइए। हॉस्पिटल में होने वाली मशीन हाइब्रिड होती है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं बच्चों, क्लियर। उसमें डिजिटल कंप्यूटर भी लगा होता है और बच्चों एनालॉग कंप्यूटर भी लगा होता है, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चों एनालॉग कंप्यूटर आ गया, फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आ गया तो बच्चों जो डिजिटल में प्रोसेसिंग कराते हैं, हाइब्रिड आ गया जो दोनों तरीके की प्रोसेसिंग करवाते हैं। नेक्स्ट चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, एक दो तीन, तीन में से दो क्वेश्चन आ गए, इसमें से एक आ गया बच्चों, क्लियर। और यहां से भी एक क्वेश्चन आ गया, बताइए तीन क्वेश्चन यहां से आ गए। सोचो कंटिन्यूअस डेटा एनालॉग हो गया, क्लियर। कंटिन्यूअस डेटा एनालॉग हो गया, डिस्क्रीट डेटा डिजिटल हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर पे फिर वापस आ जाओ। कंप्यूटर कितने तरीके के, तो कंप्यूटर होते हैं बच्चों तीन तरीके के। एक कौन सा होता है, एनालॉग होता है। एक कौन सा होता है, डिजिटल होता है। और एक कौन सा होता है बच्चों, हाइब्रिड होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक कंप्यूटर आपका हाइब्रिड होता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए अब बच्चों एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, जो फिजिकली क्वांटिटी को नापते हैं, फिजिकली क्वांटिटी को नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, क्वांटिटी को नापते हैं बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, नापते हैं, क्लियर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है समझना, एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। एनालॉग तो ये हो गया, डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो बच्चों डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे आ गए। जो आज का जमाना है उसको डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटल युग कहते हैं। अब डिजिटल युग में क्या क्या चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर है जो फिजिकली डेटा और फिजिकली डेटा और डिजिटल डेटा दोनों के रूप में प्रोसेसिंग कराते हैं। यहां पर एनालॉग प्रोसेसर भी है और डिजिटल भी प्रोसेसर है बच्चों। दोनों तरीके के प्रोसेसर होते हैं इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोसेसर होते हैं बच्चों, क्लियर। याद रखना इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये केवल एनालॉग सिग्नल इनपुट में लेते हैं बच्चों, क्लियर। इनपुट में लेते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों लेते हैं बच्चों, एनालॉग और डिजिटल दोनों लेते हैं। लेकिन वर्किंग किसमें कराते हैं, डिजिटल में। ये केवल एनालॉग सिग्नल इनपुट में लेते हैं, याद रखना। और वर्क भी एनालॉग में करवाता है, वर्क मतलब प्रोसेसिंग भी किसमें कराता है, एनालॉग। प्रोसेसिंग भी एनालॉग में ही कराते हैं, भी एनालॉग में कराते हैं बच्चों, क्लियर। एनालॉग में ही करवाते हैं ये वर्ड याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है बच्चों। इसलिए इनकी जिनकी जो क्वालिटी, ये मान के चलिए जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम होती है। और बच्चों याद रखना, ये एनालॉग भी लेते हैं इनपुट में और डिजिटल भी लेते हैं इनपुट में। इनपुट के रूप में एनालॉग भी लेते हैं और इनपुट के रूप में डिजिटल भी लेते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग किसमें कराते हैं, तो लेकिन प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग केवल किसमें कराते हैं, डिजिटल में बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट याद रखना, क्लियर। और हाइब्रिड क्या होते हैं, दोनों तरीके के डेटा लेते हैं और लेकिन प्रोसेसिंग भी दोनों तरीके से कराते हैं, क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। दोनों तरीके के डेटा इनपुट में लेते हैं और दोनों तरीके से प्रोसेसिंग कराते हैं। दोनों तरीके के डेटा इनपुट में लेते हैं, दोनों तरीके के डेटा
डेटा इनपुट में लेते हैं, डेटा इनपुट में लेते हैं, इनपुट में लेते हैं, इनपुट में लेते हैं, तथा तथा प्रोसेसिंग भी दोनों तरीके से कराते हैं, तथा प्रोसेसिंग भी दोनों तरीके से कराते हैं, प्रोसेसिंग भी दोनों तरीके से कराते हैं, दोनों तरीके से कराते हैं, दोनों तरीके से करवाते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए तरीके से करवाते हैं, ज्यादा लिखना पड़ रहा है, करवाते हैं। बच्चों क्लियर? अब इनकी नोट्स बना लेना, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन बात करते हैं डिजिटल, जो आज की दुनिया है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल तापमापी इधर आएगा, तापमापी इधर आएगा, सिस्मोग्राफ इधर आएगा बच्चों, या वेंटिलेटर हाइब्रिड में आएगा बच्चों, पेट्रोल पंप की मशीनें एनालॉग आएगा, आकड़ी तुला एनालॉग में आएगा, डिजिटल कांटे इधर आएगा, डिजिटल मशीन इधर आएगा बच्चों, सुई सुई वाली घड़ी इधर आएगी, समझ जाओ जो सुई वाली घड़ी है वो इधर आएगी, और जो कंप्यूटर के रूप में दिखता है वो इधर आ जाएगा। और बच्चों ये हाइब्रिड तो मैंने बता ही दिया, इसके कम ये एग्जाम्पल है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब अगर आपके क्लियरिटी आ गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों अपन को पता है कंप्यूटर कौन कौन से होता है, तो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं ये क्लियर हो गया। एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एनालॉग होता है, एनालॉग होता है, और एक क्या होता है बच्चों, हाइब्रिड। तो इनके ऊपर तो चलो ठीक है, काफी कुछ हो गया। अब बच्चों अपन डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है एम्बेडेड, एम्बेडेड बच्चों क्लियर, एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर होता है कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। फिर कौन सा कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर। फिर कौन सा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फिर कौन सा कंप्यूटर होता है, तो बच्चों याद रखना सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बच्चों क्लियर, याद रखिए डिजिटल कंप्यूटर के रूप है एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये बच्चों सब के सब डिजिटल कंप्यूटर के रूप है, क्लियर। अब कोई ये पूछे सर एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो मशीन बनती है तब उनके अंदर फिट किए जाते हैं। जब एसी बना होगा तो एसी के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगाया होगा, जब फ्रिज बना होगा तो फ्रिज के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन तो उसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगाया होगा। इन कंप्यूटर को एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, जो बच्चों बनते समय जब कोई डिवाइस बनती है, कोई हार्डवेयर बनता है, उसी समय फिट कर दिया जाता है, बाद में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते, उनको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। बच्चों क्लियर? बच्चों याद रखिए इनके अंदर एक तो सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, और एक रोम होती है, एक रोम होती है, बाकी और कुछ भी नहीं होता, ना रैम होती है, ना कुछ और होता है, सीपीयू रोम होता है। और बच्चों याद रखिए इनके अंदर ये फर्मवेयर से चलते हैं, फर्मवेयर से चलते हैं, फर्मवेयर से चलते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखो एम्बेडेड कंप्यूटर मशीनों को बनाते समय डाल दिए जाते हैं, मशीनों को बनाते वक्त मशीनों में ऑटोमेटिक चलाने के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर डाले जाते हैं। मशीनों को बनाते वक्त, मशीन बनाते वक्त, मशीन मशीनों को बनाते वक्त मशीन में मशीन को ऑटोमेटिक चलाने के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर डाले जाते हैं, लगाए जाते हैं। बच्चों क्लियर? और इसमें दो ही चीज होती है, रोम और सीपीयू। रोम में पहले से कोड लिखे होते हैं और सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कराता है, क्लियर। अब आ जाइए माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन आता है, तो आपके मोबाइल आते हैं, जो आप और हम यूज करते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर है। मोबाइल आता है बच्चों, टेबलेट आते हैं बच्चों क्लियर, लैपटॉप आते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, तो मोबाइल, टेबलेट, लैपटॉप क्लियर। इसके अलावा पाम टॉप, हैंड हेल्ड, ये जितने भी है लिख देता हूँ, पाम टॉप आता है, हैंड हेल्ड आते हैं, ये सब के किस में आते हैं, माइक्रो। बच्चों क्लियर, माइक्रो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो माइक्रो कंप्यूटर बच्चों वो है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, बच्चों माइक्रो कंप्यूटर वो है जिसमें रैम का कंसेप्ट आया, बच्चों जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है, बस इतना याद रखिए इनमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया, तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था। बच्चों क्लियर, तो जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, जो इंटेल वाले सीपीयू जिसमें लिखा होता है, वो सब माइक्रो प्रोसेसर। बच्चों आप और हम इसी को यूज करते हैं, ये एक स्पेशल पर्पज है, याद रखना
ये स्पेशल पर्पज है बच्चों, क्लियर? ये भी स्पेशल पर्पज है। एनालॉग कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पज के लिए बने हैं बच्चों, क्लियर? याद रखना हाइब्रिड कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पज है, ये भी स्पेशल पर्पज ही है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में एम्बेडेड स्पेशल पर्पज है मशीनों को चलाने के लिए। माइक्रो जो है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर है, जनरल पर्पज कंप्यूटर है, याद रखना कौन? माइक्रो। अब बात करेंगे अपन मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, तो देख लेते हैं इनको, जहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए इन सब में माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसको आप और हम यूज करते हैं, ये सारे के सारे जनरल पर्पज कंप्यूटर है, क्लियर? हैंड हैंडल्ड वो होता है जो हाथ में आ जाए, फार्म टॉप भी वो होता है जो हाथ में आ जाए, जैसे टेबलेट होते हैं, नोटबुक होते हैं, क्लियर? लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, क्लियर? याद रखिए जो आप और हम यूज करते हैं, जो जन पीसी है, पीसी बोल सकते हो, जो पर्सनल कंप्यूटर आपके बच्चों, क्लियर? पर्सनल कंप्यूटर है वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं, क्लियर? अब आ जाइए मिनी, मिनी का मतलब होता है स्मॉल सर्वर, स्मॉल सर्वर बच्चों, क्लियर? स्मॉल सर्वर याद रखना बच्चों, ये जनरल पर्पज है, और बच्चों ये सिंगल यूजर भी है। कैसे है? सिंगल यूजर, सिंगल यूजर है सारे के सारे, इनको एक यूजर ही एट ए टाइम यूज कर सकता है, क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। आपका लैपटॉप है एक ही यूजर काम करेगा, पीसी है एक ही यूजर, डेस्कटॉप है, हैंड हैंडल्ड है, नोटबुक है, पाम टॉप है, पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब माइक्रो है, लेकिन में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, याद रखना इनसे सर्वर नहीं बनते हैं बच्चों। आपका मोबाइल 10 लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर नहीं बन सकता बच्चों, इनमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बच्चों, क्लियर है? लेकिन अब बात करते हैं अपन स्मॉल सर्वर। देखो बच्चों, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है बच्चों, बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, आरपीएससी बोर्ड है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉल सर्वर लगे होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं बच्चों, क्लियर? देखिए बच्चों एक चीज बताइए, आपका जब रिजल्ट आता है, ये एक चीज सुनो, जब तुम टिकट बुक कराने जाते हो तो टिकट बुक कहाँ होता है? टिकट बुक दिल्ली होता है, रेलवे का टिकट बुक दिल्ली होता है। तुम्हारा जो कंप्यूटर है, जो तुम्हारा मोबाइल है, वो टिकट बुक नहीं करता है। तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा डेस्कटॉप, ये तो वर्क स्टेशन है, ये तो बच्चों वर्क परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। काम तो कहाँ होता है? सारा का सारा काम दिल्ली होता है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। वो सर्वर के ऊपर होता है, सर्वर जो होते हैं वो मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीपल यूजर उनको यूज कर रहा होता है, एक सर्वर पे करोड़ों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, कोई टिकट बुक कर रहा होता है, कोई टिकट कैंसिल कर रहा होता है, कोई पेमेंट कर रहा होता है, याद रखिए उनको सर्वर कहते हैं। तो फिर आपके कंप्यूटर तो सर्वर है ही नहीं, आपके कंप्यूटर तो बच्चों एज ए वर्क स्टेशन ही तो काम करते हैं, आपके कंप्यूटर तो पर्सनल यूज के लिए बने, पूरी दुनिया के यूज के लिए नहीं बने। याद रखिए बच्चों, आपके कंप्यूटर सिंगल यूजर है, और आपके कंप्यूटर जनरल पर्पज है। आप मोबाइल से क्या नहीं कर सकते? पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जनरल पर्पज है बच्चों। मोबाइल से वीडियो गेम खेल सकते हो, गाने सुन सकते हो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल पर्पज है। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, स्पेशल पर्पज है। ये भी किसी पर्टिकुलर यूज के लिए बना है, स्पेशल पर्पज है। लेकिन ये सब चीज किसके लिए बना है बच्चों? जनरल पर्पज, याद रखना सिंगल यूजर है बच्चों, जनरल पर्पज है बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, एक व्यक्ति के यूज के लिए बने, इनको अपन माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इनसे सर्वर नहीं बन सकता है, करोड़ों लोग काम नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के लिए बने, क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। मिनी के बाद अपन लेते हैं सुपर, मेन फ्रेम। मिनी के बाद अपन क्या लेते हैं? मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बच्चों बड़े सर्वर है, फ्रेम बच्चों, क्लियर? बड़े सर्वर, ये बड़े सर्वर है बच्चों। अब बड़े सर्वर, बड़े सर्वर में क्या होगा? रेलवे के सर्वर है, सोशल मीडिया 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 के सर्वर है, रेलवे के सर्वर है बच्चों, क्लियर? बैंकिंग सर्वर है, बैंकिंग के सर्वर है, ये सब इसी के अंदर आते हैं, बैंकिंग के सर्वर है बच्चों। क्या बोला मैंने? बैंकिंग के सर्वर है, ये भी सब इसी के अंदर आते हैं बच्चों, क्लियर? बैंक देखिए, एक बैंक है, करोड़ों लोग ग्राहक है बच्चों, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पासबुक प्रिंट करा रहे हैं, कितना काम कर रहा है, करोड़ों लोगों का काम कर रहा है। सर्वर वो है जो अपने टाइम को मल्टीपल यूजर के बीच में टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको सर्वर कहते हैं। याद रखना बच्चों, ये बड़े सर्वर है जिनको मेन फ्रेम कहते हैं, ये स्मॉल सर्वर है। गूगल का सर्वर है, गूगल है बच्चों मेन फ्रेम सर्वर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यूनिवर्सिटी है बच्चों, आरपीएससी बोर्ड है बच्चों, क्लियर? जो
अगर मान लो अपन अपने लोकल की बात करें तो यूनिवर्सिटी, आरपीएससी बोर्ड, अभी तुम पढ़ रहे हो क्लास प्लस का सर्वर, ये सब क्या है? क्लास प्लस का सर्वर, ये सब मिनी सर्वर है बच्चों, क्लियर? समझ जाइए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है बच्चों, ये माइक्रो आप और हम यूज करते हैं, ये मशीनों में लगे हुए होते हैं, ये स्पेशल पर्पज है बच्चों, ये जनरल पर्पज है बच्चों, ये सर्वर के पर्पज के हैं। याद रखिए मिनी कंप्यूटर सर्वर बनाने के काम में आते हैं, और मेन फ्रेम भी बड़े सर्वर होते हैं बच्चों, क्लियर? इनकी बच्चों स्टोरेज की क्षमता बहुत ज्यादा, प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज्यादा ये होती है बच्चों, क्लियर? अब एक होता है सुपर, बच्चों समझना, ये डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट है। एक क्या होता है बच्चों सुपर, सुपर बच्चों स्पेशल पर्पज है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं बच्चों, क्लियर? समझ जाओ, ये इंटरनेट के लिए बनाए हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए बनाए, ये भी इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए बनाए बच्चों, इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए बनाए। याद रखिए कोई आपसे पूछे कि सर एम्बेडेड किसके लिए बनाए, मशीनों को चलाने के लिए, माइक्रो किसके लिए बनाए, पर्टिकुलर पीस पर्सनल के लिए, इसलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। सर्वर किसके लिए बनाए, इंटरनेट के लिए बच्चों, इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए बच्चों, क्लियर? लोगों को कनेक्ट करने के लिए सर्वर बनाए बच्चों, सर्वर सर्वर, और ये स्पेशल पर्पज के लिए। अब लेकिन बच्चों स्पेशल पर्पज में भी ऐसी ऐसी चीजें होती है जो बहुत फास्ट स्पीड से सोल्व करनी पड़ती है बच्चों, जो एनवायरमेंट एनफोर्समेंट के लिए बच्चों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जहां पर करोड़ों डेटा की कैलकुलेशन पर सेकंड करनी होती है बच्चों, क्लियर? तो ये स्पेशल काम ही कर पाएंगे, सुपर कंप्यूटर को जाके कह दो मनोरंजन करा दे, क्या ये मनोरंजन कराएंगे? नहीं कराएंगे। गाना सुना दे, क्या ये गाना सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर वर्क को, पर्टिकुलर 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 वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को बहुत फास्ट सोल्व करते हैं, बहुत फास्ट सोल्व करते हैं, बहुत फास्ट सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, पर्टिकुलर वर्क को बहुत फास्ट सोल्व करते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, सुपर बच्चों, क्लियर? किसमें काम आते हैं? साइंटिफिक एंड रिसर्च सेक्टर में काम आते हैं। साइंटिफिक, एक ही वर्ड में बोलूं, साइंटिफिक साइंटिफिक गड़बड़ कर दिया ना स्पेलिंग में, साइंटिफिक बच्चों, क्लियर? साइंटिफिक साइंटिफिक एंड रिसर्च 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 वर्क में काम आते हैं, वर्क में काम आते हैं, वर्क में काम आते हैं बच्चों, क्लियर? याद रखना बच्चों, मौसम विज्ञान में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मौसम विज्ञान में, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चों, क्लियर? यही काम आते हैं बच्चों, याद रखना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सबसे पावरफुल सुपर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर, एक जैसे वर्क को परफॉर्म करेगा सुपर, स्पेशल पर्पज सुपर बच्चों, क्लियर? याद रखना, बड़े कंप्यूटर सर्वर सर्वर बच्चों, पीसी बच्चों, एम्बेडेड, क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। क्या अर्थ क्यूब को नापने वाले? बिल्कुल, अर्थ क्यूब को नापने वाले बच्चों, क्लियर? याद रखना बच्चों, अर्थ क्यूब को नापने वाले भी क्या है, अर्थ क्यूब के ऊपर वर्क करने वाले, मौसम विज्ञान के ऊपर वर्क करने वाले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने वाले, जटिल गणनाओं को करने वाले, साइंटिफिक रिसर्च को करने वाले बच्चों, बीमारियों का पता लगाने के लिए, इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं, क्लियर? याद रखिए, एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर? एक क्वेश्चन और पक्का हुआ आपका कि कौन कहां पर क्या काम आता है। सबसे छोटे कंप्यूटर एम्बेडेड होते हैं बच्चों, सबसे छोटे डिजिटल कंप्यूटर एम्बेडेड, फिर माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। स्पीड इधर किसे इधर बढ़ती जा रही है बच्चों, क्षमता भी इधर से इधर बढ़ती जा रही है बच्चों, कॉस्ट भी इधर से इधर बढ़ती जा रही है, सारा काम इधर से इधर बढ़ता जा रहा है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन बात कर लेते हैं, जो अपना फ्लैग रजिस्टर था उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्लियर? फ्लैग रजिस्टर अपना रह गया था तो उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आपका सीपीयू पूरा खत्म, कंप्यूटर पूरा खत्म, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे, कल कल अपन आगे लेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, फिर बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज के बाद अपन इनपुट और आउटपुट की चर्चा करेंगे, फिर अपन सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों,
अब बच्चों आज का जो पॉइंट है उसको समझना, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। क्लियर? फ्लैग रजिस्टर बच्चों, फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, जो किसी रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं उनको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। एक बार कमेंट कर दो, सारे बच्चे कमेंट कर दो, 2 मिनट बात कर लो मेरे से कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर है बच्चों? सिस्टम असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर, यूपी के लिए, बीपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए, सबके फंडामेंटल होता है, उनको ढंग से करना है। पहले वाले वीडियो देखिए, आपके वीडियो का आनंद लीजिए बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। क्लियर? आज आज में से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर आईए में आए थे, कंप्यूटर टीचर में भी आए थे, ठीक है? लेकिन एक बार पढ़ के आइएगा। अगर तुम पढ़ के नहीं आते हो, डायरेक्ट आते हो, तो इसका मतलब आप बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत सारी चीजें खो रहे हो। क्लियर? हाँ, एक बार पुराने क्लास देखो करो, फिर ये देखा करो, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ये सुपर फास्ट बैच है, सुपर फास्ट मतलब आप एक बार पूरा देख के आओ तो आपको फिनिशिंग दे देगा। ये नौकरी लगाने वाला बैच होता है, लाइव वाला। लाइव का मतलब है आपकी नौकरी लगेगी, और एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं बेरोजगार मिल जाए, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट जाके दिमाग में हिट होता है, अरे यार ये चीज थी। क्लियर? करें स्टार्ट। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है बच्चों? जो रिजल्ट का स्टेटस बताए, जो रिजल्ट का स्टेटस बताए, जो रिजल्ट रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं, स्टेटस बताते हैं, स्टेटस बताते हैं, बताते हैं बच्चों, क्लियर? वो फ्लैग रजिस्टर कहलाते हैं, वो फ्लैग रजिस्टर कहलाता है, वो रजिस्टर फ्लैग कहलाता है, वो रजिस्टर रजिस्टर फ्लैग होता है बच्चों। क्लियर? फ्लैग होता है, यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग कितनी है, 8085 भी पूछता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग की संख्या, फ्लैग की संख्या, फ्लैग की संख्या 5 होती है, संख्या 5 होती है बच्चों। ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है बच्चों। क्लियर? याद रखना होता है। लेकिन फ्लैग कितनी होती है? तो फ्लैग 5 होती है। प्रत्येक फ्लैग 1 बिट के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, प्रत्येक फ्लैग, प्रत्येक फ्लैग, प्रत्येक फ्लैग 1 बिट के द्वारा, 1 बिट के द्वारा, बिट के द्वारा, के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, द्वारा रिप्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट होती है बच्चों। क्लियर? फ्लैग, प्रत्येक फ्लैग 1 बिट के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। आप थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें, ये आपके जस्ट सामने बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फ्लैग रजिस्टर की डिजाइन देख लेते हैं, बनावट क्या है। तो बच्चों फ्लैग रजिस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बच्चों। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एस और ये जेड बच्चों, एस जेड ए सी पी सी बच्चों। क्लियर? एस जेड याद रखना, ये होता है एस जेड, फिर स्पेस दे देना ए सी, फिर एक एक स्पेस पी और सी बच्चों। क्लियर? ये ऐसे आपको याद रखना है। इसको कहते हैं साइन फ्लैग, यहाँ पर साइन फ्लैग, ये साइन फ्लैग है बच्चों, साइन फ्लैग है, ये साइन फ्लैग है। अच्छा याद रखना, अगर यहाँ साइन साइन आता है, अगर साइन आता है तो साइन आता है तो वन, साइन आता है, साइन नेगेटिव है तो वन, साइन नेगेटिव है तो वन, साइन आता है मतलब साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो वन, और साइन पॉजिटिव है बच्चों, रिजल्ट अगर पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर वन भरा है इसका मतलब जो रिजल्ट आया उसका साइन नेगेटिव है, और अगर जीरो भरा है तो जो रिजल्ट आया उसका साइन पॉजिटिव है बच्चों। ये है जीरो फ्लैग, ये कौन सी फ्लैग है, जीरो फ्लैग, समझने की कोशिश करना, ये कौन सा फ्लैग है, ये जीरो फ्लैग है बच्चों। क्लियर? अगर जीरो आता है, जीरो आता है तो क्या लिखोगे, जीरो, और जीरो आता है, सॉरी, जीरो आता है, जीरो आता है, आता है बच्चों, वर्ड सुनो,
जीरो आता है, जीरो आता है तो वन, और जीरो नहीं आता, रिजल्ट जीरो नहीं आता, रिजल्ट जीरो नहीं आता, नहीं आता, आता है, रिजल्ट जीरो नहीं आता है तो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो आए तो वन, नहीं आए तो जीरो, साइन आए तो वन, नहीं आए तो जीरो। बच्चों ऑग्जिलरी कैरी, ऑग्जिलरी कैरी फ्लैग, ऑग्जिलरी लेरी कैरी फ्लैग, ऑग्जिलरी कैरी फ्लैग, बच्चों क्लियर। इसमें क्या होता है कि एक निब्बल से दूसरे निब्बल पे 4 बिट से यहां पर अगर कैरी जाती है, कैरी जाती है, कैरी जाती है, कैरी जाती है, कैरी जाती है तो वन, तो एसी होगा वन, और अगर नहीं जाती, कैरी नहीं जाती, होता है तो वन, नहीं होता है तो जीरो, जीरो आता है तो वन, नहीं आता है तो जीरो, साइन आता है तो वन, नहीं आता है तो जीरो, कैरी जाती है तो वन, और कैरी नहीं जाती, कैरी नहीं जाती है, कैरी नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा, जीरो। एक्जिलरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बच्चों पेरिटी, पेरिटी नंबर ऑफ वन, पेरिटी फ्लैग क्या होता है, पेरिटी, पेरिटी फ्लैग, बच्चों क्लियर, पेरिटी फ्लैग क्या होता है, नंबर ऑफ वन को पेरिटी कहते हैं, नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट, वन वन नंबर ऑफ वन इन ए रिजल्ट, नंबर ऑफ वन इन ए रिजल्ट, इन ए रिजल्ट, क्लियर, नंबर ऑफ वन इन ए रिजल्ट, रिजल्ट इज कॉल्ड पेरिटी, इज कॉल्ड पेरिटी, कॉल्ड पेरिटी, बच्चों क्लियर। अब अगर मान लो रिजल्ट में नंबर ऑफ वन इवन है, नंबर ऑफ वन इवन है, नंबर ऑफ वन वन बच्चों क्या है, इवन है, इवन है तो क्या आएगा वन, और नंबर ऑफ वन ओड है तो क्या आएगा, जीरो, पेरिटी फ्लैग में जीरो आ जाएगा। अब आ जाइए कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग मतलब लास्ट कैरी, लास्ट कैरी, बच्चों ये इस कैरी की बात कर रहा है, अगर यहां कैरी आती है, यहां कैरी आती है रिजल्ट में, तो कैरी आती है, कैरी आती है, फाइनल कैरी आती है, फाइनल ऑक्जिलरी नहीं, ऑक्जिलरी इसको कहते हैं, फाइनल कैरी आती है, फाइनल कैरी आती है तो बच्चों कैरी फ्लैग वन, नहीं आती है तो जीरो, बच्चों साइन आता है तो वन, जीरो आता है तो वन, ऑक्जिलरी कैरी आती है तो वन, इवन पेरिटी है तो वन, ओड का ओ देख लो, ओड पेरिटी के लिए जीरो लगाना है, याद रखना बच्चों ओड का ओ देख लो, ओड पेरिटी के लिए जीरो, फाइनल कैरी आती है तो वन, नहीं आती है तो जीरो, फाइनल कैरी नहीं आती है तो जीरो, फाइनल कैरी नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, आती है तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। बच्चों मान लीजिए ये आपकी ये है, और यहां पर क्या है, यह है एस जेड, एस जेड ए सी, एस जेड, एस जेड, और यहां पर क्या है, यह है ए सी, और यह है पी, और यह है बच्चों पी सी, बच्चों क्लियर। अब मान लीजिए दो नंबर है, फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर आपका 110010101 है, और बच्चों सेकंड नंबर क्या है आपका, तो सेकंड नंबर आपका 10011111 है, इन दोनों को जोड़ना है अपन को, क्लियर। चलिए और इनका रिजल्ट निकालना है, तो देखते हैं बच्चों अगर 1+1 करते हैं तो 0 कैरी 1, 1+1 0 कैरी 1, 1+1 0 कैरी 1, 1+1 0 कैरी 1, फिर बचा 1, 1+1 0 कैरी 1, फिर बच्चों ये 1, 1+1 0 कैरी 1, बच्चों 0 ये 1, ये 1, 1+1 0 कैरी 1 ये 1, फाइनल कैरी आ गई, इसका मतलब 1, रिजल्ट 0 है क्या, नहीं, सारे 0 होते, रिजल्ट इसको कहते हैं, रिजल्ट इसको कहते हैं जो 8 बिट का है, क्या रिजल्ट में सारे 0 है, नहीं, इसका मतलब ये है 0, क्या साइन आया, साइन बच्चों रिजल्ट को देखो साइन क्या है, तो बच्चों याद रखिए इन दोनों नंबर को जब जोड़ते हैं तो साइन आपका ये आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, साइन देखो यहां पर देखो ये 0 है, बच्चों साइन इसको कहते हैं, साइन इसको कहते हैं, साइन क्या है, दो नंबर को जोड़ा है, साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 0, ऑक्जिलरी कैरी क्या यहां से यहां कैरी आई, बिल्कुल आई, इसका मतलब 1, बच्चों नंबर सो 1 काउंट करो इसमें नहीं, इसको शामिल मत करो, इसको शामिल मत करो, ये तो होता ही नहीं है, रजिस्टर तो 8 बिट का है, इसी को काउंट करो, 1 2 3 4 इवन पेरिटी तो क्या हो गया 1, क्लियर। तो इस तरीके से चलेगा, इसको रिजल्ट कहते हैं, इसको कैरी कहते हैं, कैरी आते ही वन हो गया। अब रिजल्ट को देखो, रिजल्ट में इवन पेरिटी है, रिजल्ट में, रिजल्ट में इवन पेरिटी है, रिजल्ट में इवन पेरिटी है, इवन पेरिटी है, रिजल्ट में इवन पेरिटी है,
तो इवन पेरिटी है तो पेरिटी हो गया क्या बच्चों, वन, इवन पेरिटी है तो वन। रिजल्ट में चौथे से पांचवे, निब्बल से निब्बल पे कैरी गई है, निब्बल से निब्बल पे कैरी गई है तो ऑग्ज़ीलियरी कैरी क्या हो गई, वन। बच्चों रिजल्ट जीरो नहीं है, 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 इसका मतलब जीरो सेट नहीं होगा, जेड जीरो, साइन नेगेटिव नहीं है, ऐड किया है बच्चों। अब ये देख लो, पहला डेटा अगर ये जीरो की जगह वन होता, जीरो की जगह वन होता तो नेगेटिव होता, और यहां पर तो जीरो है तो साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर बच्चों, इसको रिजल्ट कहते हैं। सब कुछ इससे देखा जाएगा, चार 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 फ्लैग इससे देखे जाएंगे, चार फ्लैग इससे देखे जाएंगे, चार फ्लैग इससे देखे जाएंगे, कैरी फ्लैग इससे देखा जाएगा बच्चों। क्लियर, रिजल्ट में सारे जीरो नहीं है, इसका मतलब जीरो फ्लैग जीरो होगा, हाँ सारे जीरो होते हैं तो जीरो फ्लैग सेट हो जाता, अगर पहली बिट वन होती तो साइन फ्लैग वन हो जाता बच्चों, अगर इधर से इधर आ रहा है तो ऑक्सिलरी वन हो गया। अच्छा इवन पेरिटी है रिजल्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार कमेंट कर दो, समझ आ जाना चाहिए। इसको छोड़कर इनको कहते हैं रिजल्ट, इसमें चार फ्लैग सेट होगा और इससे कैरी फ्लैग देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, कैरी फ्लैग बच्चों। क्लियर, कैरी फ्लैग इससे देखा जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यही पूछेगा कि पेरिटी कितनी होती है, कौन कौन सी पेरिटी होती है। अच्छा ये पूछ सकता है बच्चों, इसको बोलते हैं एलएसबी, एलएसबी पेरिटी कौन सी होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट मोस्ट, और बच्चों एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चों ये क्वेश्चन भी आया था कि एलएसबी किसको कहते हैं, तो राइट मोस्ट बिट को कहते हैं, याद रखना, राइट मिट मोस्ट बिट को, राइट मोस्ट बिट को एलएसबी कहते हैं। तो एलएसबी में कौन सी फ्लैग होती है, तो कैरी फ्लैग, और बच्चों एमएसबी में कौन सी फ्लैग होती है, तो साइन फ्लैग, याद रखिए, यही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो इसमें 1000 बन सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एलएसबी राइट मोस्ट बिट को कहते हैं, क्योंकि अपन जब लिखते हैं तो ऐसे होते हैं, ये राइट मोस्ट है, ये लेफ्ट मोस्ट है, इसको एमएसबी कहते हैं, इसको एलएसबी कहते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी आया था, क्लियर, ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने नंबर सिस्टम में खूब पढ़ाया था कि वो एल एस बी होता है, ये एम एस बी होता है। अरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो अंबिका ने नहीं पढ़ाया हो। क्लियर, एम एस बी की फुल फॉर्म क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चों पढ़ने की जरूरत है, जिसकी यह हालत है उसको पढ़ने की जरूरत है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये एम एस बी की फुल फॉर्म है। एल एस बी की फुल फॉर्म क्या है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चों क्लियर, याद रखना, ये रिजल्ट देख लो, अगर निब्बल से निब्बल पे जा रहा है कैरी फ्लैग सेट हो रहा है, ऑक्सिलरी कैरी हो जाएगी, सारे जीरो है, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग मतलब समझ में आ गया, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, किस तरीके से आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ये बच्चों एस जेड स्पेस ए सी स्पेस स्पेस पी सी, बच्चों क्लियर, ये लीजिए पी सी। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक नंबर है 1000000, और बच्चों ये भी 1000000, इनको जोड़ते हैं, क्लियर, तो देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये 0000, अब बच्चों यहां से यहाँ कैरी नहीं आई, ऑक्सिलरी कैरी जीरो, क्योंकि यहां से यहाँ कैरी नहीं आई, फिर बच्चों 0001+1 0, हासिल एक, ये हो गया वन बच्चों। क्लियर, ये हो गया वन, तो कैरी आ गई, कैरी आ गई तो ये वन हो गया। क्लियर, अच्छा रिजल्ट देखो, ये पूरा रिजल्ट है, रिजल्ट में सारे जीरो है तो सेट हो गया वन। इस बिट को देखो, ये जो बिट है ये जीरो है तो साइन फ्लैग हो गया वन। बच्चों पेरिटी देखो, तो ये ओड पेरिटी है बच्चों, इसमें नंबर सो वन, नंबर सो वन है ही नहीं, सारे के सारे जीरो है बच्चों। इवन पेरिटी या ओड पेरिटी है, तो इवन पेरिटी है, इवन पेरिटी है, क्यों है, क्योंकि नंबर सो वन यहाँ है ही नहीं। रिजल्ट इसी को कहते हैं, रिजल्ट किसको कहते हैं, रिजल्ट केवल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नंबर सो वन इवन है क्या, तो नंबर सो वन इवन ही है, क्योंकि ओड तो किसको कहते हैं, ओड किसको कहते हैं, एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, और नहीं तो इसको क्या कहते हैं, इवन पेरिटी, इवन पेरिटी मतलब वन।
बच्चों क्लियर, याद रखिए नंबर्स ऑफ वन इवन संख्या में मतलब है ही नहीं, कुल मिला के बात ही है, क्लियर। तो इवन पैरिटी क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला भी आया था फीपो, बिल्कुल खूब पढ़ा रखा है क्यों, क्लियर है बच्चों? धन्यवाद आज की क्लास के लिए, आपको मिलते हैं बच्चों कल, और कल लेंगे अपन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर है उनकी चर्चा करेंगे। एक तो जो ऑफर है आज 12 बजे तक है, किसी के भी दोस्त को ज्वाइन करना है, 12 तो बज गए, चल रहा होगा तो बोल देना, उसके बाद फीस बढ़ रही है। धन्यवाद।